दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग अ टेबल। डिजाइनिंग मतलब टेबल को क्रिएट करना, टेबल बनाना, और स्टाइलिंग मतलब बनाई गई टेबल पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई करके उसे एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करना। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम टेबल को डिजाइन करने के लिए HTML का यूज करते हैं। HTML की हेल्प से हम टेबल को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, बट उसमें इफेक्ट डालने के लिए हमें क्या करना है, स्टाइल का अप्लाई करना है, जैसे कि CSS। हमें क्या करना है, HTML की हेल्प से टेबल को क्रिएट करना है और उसके बाद उस पर उसको अट्रैक्टिव बनाना है। किसकी हेल्प से? स्टाइलिंग की हेल्प से, यानी कि CSS की हेल्प से। तो जिसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले HTML की हेल्प से हमें टेबल बनाना होगा, फिर उस पर CSS अप्लाई करके उसको एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना सबलाइन ओपन करना है और उसमें हमें टेबल क्रिएट करनी है। ओपन करने के लिए मैं इस पे बैक आ जाती हूँ और फिर इसके बाद मैं सबलाइन को ओपन कर दूंगी। इसे मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट पर जाकर SUB टाइप करते हैं सबलाइन का, एंटर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मुझे लेना होगा एक नई फाइल, तो हम फाइल में गए, हमने कहा न्यू फाइल, नई फाइल आ गई। फाइल में जाकर मैं इसे कर देती हूँ सेव, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप में सेव कर रही हूँ इस फाइल को, टेबल स्टाइल .html के नाम से, और हम इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही आएगा। और इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर मैं दे रही हूँ कैप्शन, कैप्शन दे देते हैं हम। कैप्शन के लिए मैंने दिया इन्फॉर्मेशन, या फिर आप चाहो तो उसको टेबल के अंदर भी दे सकते हो, तो टेबल के बीचों बीच में आएगा आपका कैप्शन। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर टेबल को ओपन कर देती हूँ, और ये जो क्लोजिंग है टेबल की मेरी, इसे मैं यहां से उठाकर कैप्शन के बाहर कर देती हूँ। तो जिससे इससे क्या होगा, ये जो कैप्शन है वो हमारे टेबल के सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए TR, टेबल रो। टेबल रो में सबसे पहले हमें देना होगा TH फॉर टेबल हेड। टेबल हेड में मैंने दिया ENO, मतलब एम्प्लॉय नंबर। इसके बाद मैंने अगला दिया टेबल हेड के लिए ENAME। इसके बाद मैंने एक और टेबल हेड दिया यहाँ पर ESALARY, कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करती हूँ, फाइल में जाती हूँ और उसको जाके सेव कर देती हूँ, ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट भी साथ में दिखाती जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने टेबल स्टाइल नाम की एक फाइल बनाई है, इसे मैंने ओपन कर दिया है अभी अभी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरी जो टेबल बन चुकी है, और उसमें ENO, ENAME और ESALARY दिख रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर एक नई रो क्रिएट करनी है, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर टेबल TD, मतलब टेबल डेटा। सबसे पहले मैंने ENO दिया 100, और इसके बाद इसी एम्प्लॉय का जो है टेबल डेटा दिया हमने, इसका नाम दे दिया मैंने वैभव। इसके बाद एक और TD मैंने ओपन कर दिया है, इसमें मैंने सैलरी दे दी 15,000। कंट्रोल S प्रेस करना होगा सेव करने के लिए, या फिर फाइल में जाकर भी आप सेव बटन पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। इसे मैंने कर दिया मिनिमाइज। अब यहाँ पर आके करते हैं रिफ्रेश, तो अब उसका कंटेंट भी आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें कई सारी टेबल रोज क्रिएट करनी है, ताकि हमारी टेबल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। कॉपी करा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, चार बार कर दिए मैंने। तो सबसे पहले वाले को छोड़कर दूसरे वाले से एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड। यहाँ पर कर दिया 101, यहां पे मैंने कर दिया विकास, इनकी सैलरी मैंने कर दी 10,000। इसके बाद ये मैंने 102, इनका नाम कर दिया मैंने अभी, इनकी सैलरी मैंने कर दी 25,000। नीचे आते हैं, इनका कर दिया 103,
इनका नाम हमने कर दिया अर्जुन, इनकी सैलरी अपन ने कर दी 15,000। इसके बाद एक रो और क्रिएट कर लेते हैं 104, इनका नाम अपन ने कर दिया विशाल और इनकी सैलरी अपन ने कर दी 26,000। फाइल में जाके अगेन करते हैं सेव, फॉर सेव करने के लिए मिनिमाइज करा और यहाँ पर आकर करते हैं रिफ्रेश। अब आप देख पा रहे हैं आपकी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई, बट अब इसमें बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर तो नॉर्मल आप टेबल बॉर्डर से भी डाल सकते हैं जिसमें एक ही कलर की बॉर्डर आएगी, तो हम क्या करते हैं स्टाइलिंग की हेल्प से बॉर्डर डालते हैं। तो स्टाइलिंग की हेल्प से बॉर्डर डालने के लिए आपको हेड टैग के अंदर आना होगा और स्टाइल को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले टेबल टैग ओपन किया। टेबल टैग ओपन करने के बाद हम चाहते हैं जो टेबल के अंदर का जो भी कंटेंट है उसका जो कलर हो जाए क्या हो जाए, और हमें चाहिए बॉर्डर कौन से कलर की, बॉर्डर हमें बॉर्डर चाहिए है 3 पिक्सल की सॉलिड ब्लू। हमें कौन सी बॉर्डर चाहिए, 3 पिक्सल की चाहिए सॉलिड ब्लू कलर की। तो अब हम क्या करेंगे इसको अगेन सेव करेंगे, फाइल में गए सेव पे क्लिक करा और यहां पर आकर हम करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख पा रहे हैं बट अभी बॉर्डर नहीं आई है हमारी, बिकॉज कि यहां पर हमने ये नहीं लगाया था, पर कंट्रोल एस कर दिया मैंने सेव करने के लिए। हम मिनिमाइज करते हैं और यहां पर आकर करते हैं रिफ्रेश। अब आप देख पा रहे हैं अंदर का कंटेंट तो हो गया है कलरफुल बट बॉर्डर नहीं आई है। तो बॉर्डर सब पर अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको करना होगा कॉमा TH कॉमा TD, सभी पे बॉर्डर आ जाए। फाइल में चले जाइए और कर दीजिए सेव, यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर आकर करते हैं रिफ्रेश। देखिए आ गए इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम चाहते हैं कि जो टेबल हेडिंग है, टेबल हेडिंग का बैकग्राउंड कलर TH का बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए येलो, सेव करते हैं फाइल में जाकर और इसे करते हैं मिनिमाइज, इसे कैंसिल, इसे मिनिमाइज और यहां पर आकर करते हैं येलो हो गया। इसके बाद मैं चाहती हूं इस क्यान कलर को हटा देते हैं यहां से और टेबल हेडिंग का जो कलर है टेक्स्ट कलर रेड कर देते हैं, सेव करते हैं फाइल में जाके सेव और मिनिमाइज और यहां से करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखिए बाकी पूरा ब्लैक हो गया और ये इसका बैकग्राउंड कलर येलो और रेड हो गई उसकी, हमारी जो उसका जो कंटेंट है वो रेड कलर का हो गया। इसी तरीके से TD पर भी अप्लाई कर देते हैं हम, बैकग्राउंड हम कर देते हैं इसका क्यान और जो टेक्स्ट का कलर है ग्रीन कर देते हैं। फाइल में जाते हैं अगेन करते हैं सेव, इसे करते हैं मिनिमाइज और यहां पर आकर करते हैं रिफ्रेश। अब मैं चाहती हूं हाइट और विड्थ भी बढ़ जाए, किसकी, टेबल की। टेबल के हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए हमें करना होगा अगेन टेबल को ओपन, यहां पे मैंने दी हाइट 100 पिक्सल की और विड्थ भी दे दी मैंने 200 पिक्सल की। फाइल में जाके करते हैं सेव और इसे मिनिमाइज करके यहां पर करते हैं रिफ्रेश। बड़ी तो हुई बट थोड़ी और बड़ी कर देते हैं।
यहाँ पर हम कर देते हैं 400 की विड्थ और 400 की ही हमारी हाइट, सेव, और यहाँ पर आकर करते हैं इसे रिफ्रेश, अब बेटर है। इसके बाद आप चाहें तो इसे सेंटर में भी ला सकते हैं टेबल को। सेंटर में कैसे? सेंटर में लाने के लिए लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। मार्जिन लेफ्ट कितना कर दें? अभी हम 200 का अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास आउटपुट, उसके अकॉर्डिंग हम और अप्लाई करेंगे। फाइल में गए, सेव करा, इसे मिनिमाइज करा और यहाँ पर आकर करते हैं रिफ्रेश। आया 200 की जगह, आई थिंक सो हमें 300 करना चाहिए। फाइल में गए, सेव, आप जितना चाहे जिस हिसाब से मार्जिन लेफ्ट देना चाहें उस हिसाब से आप दे सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट देने से क्या होगा, उसका जो अलाइनमेंट है वो एक तरीके से सेंटर में हो जाएगा। 350 कर देते हैं, सेव करा, मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर आकर करते हैं रिफ्रेश। चलिए ये हो गया। इसके बाद आप जैसी चाहो वैसी आप स्टाइलिंग इस पे अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो हर एक रो पे आईडी लगाकर, हर एक रो पर आईडी लगाकर उसका एक अलग ही कलर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से स्टाइलिंग इस पे करना चाहते हो। तो मैं आपको एक रो पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस पे हम जाते हैं जो सबसे पहली रो है हमारी टेबल रो, ये वाली, क्योंकि हमारी जो मेन हेडिंग वाली है वो तो अलग ही दिख रही है, बट अगर मैं चाहूँ ये सभी अलग अलग कलर की दिखें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा करने के लिए जो दूसरी वाली है टेबल रो, ये वाली, इसको मैंने दे दी आईडी इज इक्वल्स टू एबीसी। इसे मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी। स्टाइलिंग के अंदर मैं जाती हूँ, हैश लगा के एबीसी लिखती हूँ और एबीसी लिखने के बाद यहां पर मैं आती हूँ तो मैंने कलर दे दिया उसको। कलर हमने दिया पिंक, बैकग्राउंड हमने दिया ग्रे। इसके बाद यहां पे मैं दे देती हूँ फॉन्ट फैमिली अल्जीरिया। इससे आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। फाइल में जाके करते हैं सेव, इसे करते हैं मिनिमाइज और यहां पर आकर करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए आ गया यहां पर, आई थिंक सो। अभी हमने ग्रे कलर्स पे अप्लाई नहीं हुआ है बैकग्राउंड का, तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम पूरी टेबल पर अप्लाई कर चुके हैं इस वजह से, तो ये हमें हटाना होगा ये वाला सेक्शन। सेव करते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर आकर करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए आ गया, क्योंकि उस पर पहले ही हम स्टाइलिंग अप्लाई कर चुके थे इसलिए एग्जैक्ट हो नहीं रही थी। तो आप जैसे ऊपर वाले को हटाओगे उस पर नई वाली स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से हर रो हर कॉलम पर आप अपने हिसाब से जैसी स्टाइलिंग चाहो वैसी स्टाइलिंग आप अप्लाई कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से कैसे स्टाइल अपनी टेबल को करना है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा टेबल को क्रिएट करना, साथ में उस पर स्टाइलिंग भी अप्लाई करना कि किस तरीके से हम CSS की हेल्प से हम हमारी नॉर्मल सी टेबल को एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर सकते हैं।